हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 मीटर कपड़े में सलवार की कटिंग करना बताऊंगी। तो देखिए, ये मेरा सलवार का पीस है। इसे जो है पहले अच्छा से फोल्ड कर लेना है और इसको जो है पहले प्रेस कर लेना है ताकि इसमें मेजरमेंट करने में आसानी हो। इसे इस तरह से पहले 2 फोल्ड करना है। इस तरह से पूरे में इसको पहले 2 फोल्ड कर लेना है। इनके बाद इसके ऊपर इसको इस तरह से 4 फोल्ड करना है। तो देखिए, इसको 4 फोल्ड कर लिया है। ये हमारी ओपन वाली साइड है और इधर जो है मेरी फोल्डेड वाली साइड है। इसके ऊपर में हमें इसको रखते हुए इसको 4 फोल्ड करना है और इसे अच्छा से इस तरह से सेट कर लेना है। इसमें किसी तरह की भी सिलबिटे को नहीं रखना है। तो देखिए, मैं आप लोगों को अपना सलवार का लेंथ बता देती हूँ। मेरा फिक्स लेंथ है 37 इंच, जिसमें मुझे 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 1 इंच सिलाई के लिए और 2 इंच जो है वो बेल्ट के मोड़ फोल्ड करने के लिए। अब मुझे यहाँ पे 7 इंच का बेल्ट निकालना है और 33 इंच का मुझे पल्ले निकालने हैं। पहले यहाँ पे मुझे पल्ले निकालना है। पल्ले जो है यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को लेते हुए 33 इंच पे मार्क करना है। आप अपने ही मेजरमेंट के हिसाब से पल्ले को निकाल लीजिएगा। इस तरह से पहले 33 इंच पे मार्क करना है और स्केल की मदद से इसे शेप को लाइन को ड्रॉ कर लेना है और इसे काट के निकाल लेना है। इस बचा हुआ कपड़ा को हम लोग साइड में रख देंगे, जिससे हमें बेल्ट निकालना है और इस कपड़े में मुझे पल्ले को निकालना है। इधर ओपन वाली साइड की तरफ 10 इंच पे मुझे आसन लेना है। यहाँ पे आसन में मैं 10 इंच पे मार्क करूँगी और इसे अंदर को मुझे 1.5 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे जो है मोहरी के लिए मैं 6 इंच लूँगी। मोहरी आप अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा। अगर ज़्यादा चोरी मोहरी पहनते हैं तो आप ज़्यादा लीजिएगा और अगर कम चोरी मोहरी पहनते हैं तो आप कम ले लीजिएगा। और यहाँ पे 2 इंच मुझे एक्स्ट्रा लेना है। मार्जिन भी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। यहाँ पे मैं इंची टेप की मदद से लाइन को ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास बड़ा स्केल नहीं है, छोटा स्केल है। इसलिए मुझे पहले इंची टेप से लाइन को ड्रॉ करना है, इनके बाद छोटा स्केल से लाइन को ड्रॉ करना है। तो देखिए, ये मेरा 2 इंच जो है वो मैंने मार्जिन लिया है और इसे ये काट के निकाल लेना है। इस तरह से जैसे मेरा लाइन ड्रॉ किए हैं इसी तरह से काट के निकाल लेना है और यहाँ पर जो है आसन की गोलाई देना है। इस तरह से आसन की गोलाई को भी काट के निकाल लेना है। जो देखिए, यहाँ पे पल्ले निकल गया है। अब हमें इस बचा हुआ कपड़ा से जो है इसे बेल्ट को निकालना है। देखिए, इधर बचा हुआ कपड़ा को इस्तेमाल करूँगी और इधर ओपन वाली साइड की तरफ से यहाँ पे मुझे 7 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे 7 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी। 5 इंच का मुझे फिक्स्ड बेल्ट निकालना है और 2 इंच जो है वो फोल्ड करने के लिए लेना है, जो मेरा आएगा नेफा के लिए। यहाँ पे मुझे नेफा को डालना है। इसी तरह से 2 इंच भी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। फिक्स जो है मेरा वो 5 इंच का बेल्ट होगा और 2 इंच मुझे फोल्ड करने के लिए लेना है। और आपको सलवार का कमर का चौड़ाई जो है वो अपने हिसाब से लेना है। आपका जितना भी कमर का चौड़ाई है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मेरा है 34 इंच, जिसका आधा होगा 17 इंच और इसमें मुझे 5 इंच जो है एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग के लिए, तो आएगा मेरा 21 इंच। इसे पहले काट लेंगे, इनके बाद इसकी चौड़ाई लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेरा इतना चौड़ा कपड़ा नहीं है, इससे मुझे दूसरा कपड़ा को जॉइंट करना है। तो देखिए, इसी सेम कपड़ा को ऐसा ही सेम मार्किंग करते हुए कपड़ा को काटेंगे और इसे इस तरह से इसके अंदर को रखना है। इस तरह से इसके अंदर को रखना है। अब इसकी चौड़ाई को देखना है। तो मेरा 17 इंच मेरा चौड़ाई है और इसमें मुझे 5 इंच लूजिंग के लिए लेना है, तो मेरा आया है 22 इंच और इसमें 1 इंच मुझे एक्स्ट्रा लगेगा, जो मेरा सिलाई मार्जिन के लिए आएगा, तो आएगा 23 इंच। मुझे सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो आएगा टोटल 23 इंच।
यहाँ पे इसे सेम निकल गया है और इसे काट के निकाल लेना है। आप भी कमर का चौड़ाई अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब इस छोटा पीस को जो है हमें इसके ऊपर को इस तरह से अटैच करना है। देखिए इसे इस तरह से खोलते हुए इसमें इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए मेरा बेल्ट भी निकल गया है और मेरा पल्ले भी निकल गया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही घंटे का ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पा सकें।